Like, share, subscribe my channel. Normal vs. Speedrun in Minecraft. How to make Nether portal? इतना ज्यादा पावरफुल है, टूटने का भी नाम नहीं ले रहा है। डायमंड पिकेक्स की भी हालत खराब हो गई। तो गाइस यार, अभी ना मैंने यहाँ पर दो ऑब्सीडियंस ब्लॉक तो तोड़ दिए हैं, और यहाँ पर इनको तोड़ने में ना काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा हार्ड है। तो चलो भाई, अभी जो नेदर पोर्टल है ना, मुझे शायद से अपने घर के अंदर ही बनाना चाहिए ना, घर के बाहर कौन जाएगा। एक काम करते हैं ना, अपनी घर की छत पे बनाते हैं। तो चलो गाइस यार, अभी ना फटाफट से मैं अपने घर पर पहुंच चुका हूँ। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि ये जो नेदर पोर्टल है ना, इसे किस जगह पर बनाना चाहिए। मतलब कि कुछ अभी ज्यादा पता नहीं है ना, पहली बार बना रहा हूं। तो एक काम करते ना, इसे अपने घर पर ही बनाकर देख लेते हैं, बस इससे ना मुझे कोई खतरा ना हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसको बनाने वाला हूँ। यहाँ पर ऐसे बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, देखने में मस्त लगेगा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ना कुछ इस टाइप का एक फ्रेम बनाना है, काफी ज्यादा बड़ा सा। और इधर भी हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ना इसे सामने से हमें जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर जंप करके मैं पूरा का पूरा तो अभी फिलहाल मैं ऑलमोस्ट बना चुका हूँ। और यहाँ पर बहुत बुरी तरह मैं नीचे गिरा। और यहाँ पर कुछ इस टाइप का नेदर पोर्टल का फ्रेम होता है क्या? मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा चौड़ा होता है यहाँ पर। एक काम करता हूँ, ये है मेरे पास फ्लिंट, इसको यहाँ पर लगाते हैं। ओ भाई साहब, जैसा कि गाइस मैंने कहा था कि नेदर पोर्टल जो इस टाइप से बनता है, और वो बन चुका है। और यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर गया तो हम लोग पहुंच जाएंगे दूसरे वर्ल्ड में। अब बारी है नेदर जाने की, बट वहां पे जाने से पहले आप लोग अपने लिए एक शील्ड बना लेना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेदर जाने के लिए ना आपके पास बस एक वाटर बकेट होनी चाहिए, कोई ऑब्सीडियन वगैरह तोड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ। अब जैसे आप लोग को लावा पूल मिल जाए, वैसे आप लोग को एक ब्लॉक का गैप देके कोई भी स्टोन यहाँ पे लगा देना है। वुड मत लगाना, वरना वुड इस लावा में जल जाएगी। फिर उसके साइड में आपको यहाँ पर वाटर डालना है, और फिर इस वाले स्टोन को तोड़ देना है। अब इतना आपका एक टाइप से बॉटम बन चुका है आपके पोर्टल का। फिर उसके बाद नीचे तो दो ब्लॉक है, उसे भी तोड़ना, और फिर यहाँ से लावा इकट्ठा करके नीचे डालना। फिर आगे से लावा इकट्ठा करके यहाँ नीचे डाल देना, वापस से वाटर कलेक्ट करना है। अब आपका समझ लो पोर्टल जो है काफी ज्यादा बन चुका है। अब आगे का काम करने के लिए हमें यहाँ पर ब्लॉक्स बनाने होंगे, मीन्स इस तरीके से तीन ब्लॉक लगाने हैं, फिर उसके सामने एक ब्लॉक लगाना है, फिर यहाँ से हमें लावा इकट्ठा करके डालना होगा। बट उससे पहले हमें यहाँ पर ऊपर वाटर डालना है, और ध्यान रखना कि जो आपका वाटर है वो कहीं गलती से आपके लावा पूल को डिस्ट्रॉय ना कर दे, वरना सब कुछ ही ऑब्सीडियन बन जाएगा। अब जैसे ही इतना हो जाए, आपको साइड साइड में यहाँ पर इस तरीके से ऑब्सीडियन लगाते जाने हैं, मीन्स लावा डालते जाना है, ताकि वो ऑब्सीडियन बन जाए। बट जैसे ही आप राइट साइड में करोगे तो एक ही बनेगा। तो यहाँ पर आपको स्टोन डालना है, जिससे वाटर और ऊपर जाएगा। फिर आपको एक और लगाना है, फिर यहाँ स्टोन लगाना है, और फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ये लावा डाल के ऑब्सीडियन बनाना है। फ्रेम ऑलमोस्ट डन हो गया, बस ऊपर से इसे क्लोज करके अपना वाटर वापस से कलेक्ट करना है। 2 सेकंड में पोर्टल आपका बन जाएगा, बिना डायमंड पिकेक्स के और बिना ऑब्सीडियन तोड़े। ऑलराइट, चलते हैं सीधा नेदर में। हाउ टू गेट आयरन? चलते हैं थोड़ा सा नीचे, क्योंकि हमें थोड़ा सा आयरन और चाहिए। थोड़ा सा आयरन और मिल जाएगा तो शिट, आई जस्ट रियलाइज मेरे पास वो नहीं है, तलवार नहीं है। नीचे रखा कोबल स्टोन, दो ऊपर बन गई तलवार। बिल्कुल कहीं साइड पे ना स्पॉनर है मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज की आवाज आ रही है। आई थिंक आई हैव इनफ आयरन आज के दिन के लिए। मतलब मैं ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहता, मुझे लग रहा है अगर मैं ज्यादा आयरन की लालच करूंगा तो मेरे साथ हर बार हादसा हो जाता है। तो अभी मुझे चुपचाप निकल जाना चाहिए। बहुत कोल और आयरन मैं ले चुका हूँ यहाँ पे, मुझे सिर्फ आयरन गोलम ढूंढना है, ताकि मैं उसको मार के आयरन ले सकूं, ताकि मैं बकेट बना के नेदर में जा सकूं। इसका मतलब समझे दया। गोलम, ये रहा गोलम, मारे तो इसको। हाँ, मैं अब आसमान की होनी चाहिए अब, जहाँ पे मुझे पकड़ना इम्पॉसिबल है। इधर आ। अबे, अबे, अबे। ना पास नहीं आता ना वो, स्लो ही होता है। अरे भाई फास्ट है। इधर आ। अरे भाई वो भी चढ़ गया। फिर भी नहीं पहुंच सकता मेरे पे। अबे देना। एक्स ज़्यादा अच्छा लगी स्वॉर्ड। एक्स ज़्यादा डैमेज करती है, लेकिन स्वॉर्ड तेज डैमेज करती है। एक्स बहुत स्लो होती है। तो बस ये बन गई बकेट, दैट्स ऑल वी नीड। पानी उठाया। अबे यार, उस आयरन गोलम ने सिर्फ 3 आयरन दिया है हमें। हमें एक आयरन और चाहिए होता है फ्लिंट एंड स्टील के लिए। हाउ टू गेट एंडर पर्ल? सो गाइस, अपेरेंटली एंडर पर्ल्स को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज अगर आप चाहते हो कि आपके पास एंडर पर्ल्स हो, तो भाई एंडरमैन स्पॉन होने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल से स्पॉन होते हैं। एंड थ्रू आउट द जर्नी गाइस, मेरे पास एटलीस्ट 6 एंडर पर्ल्स पहले की पड़ी हुई थी। बट अगर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढना, तो हम लोगों को चाहिए एटलीस्ट
14 या फिर 15 एंडर पर्ल्स, बट जिसमें से 12 तो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्टिवेट करने के लिए ही चाहिए। तो भाई मुझे पता था कि भाई ये एंडर पर्ल्स को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो यार मेरे पास में ही एक विलेज है, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास आते हैं दो विलेज, एक यहाँ पर आता है एक शायद नीचे की साइड आता थोड़ा सा, तो वहां पर मैं गया था और वहां पर मैंने बहुत सारे एंडरमैन्स को मारा है ताकि मैं एंडर पर्ल्स को इकट्ठा कर सकूं ताकि मैं आइज ऑफ एंडर बना सकूं। वो चीज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज बहुत ही लंबा प्रोसेस है भाई, हर नाइट एंडरमैन स्पॉन नहीं होते हैं, मुझे वहां पर जाकर चला ये चीज का पता। गोल्ड के ब्लॉक हमारे यहाँ से ऊपर होते हैं, नाइस। मैंने बताया तुम लोगों को भाई तुम्हारा भाई यहाँ पे स्पीड रनिंग एक्सपर्ट है गाइस, अब इसको मैं ऊपर से कैसे निकालूं? आजा भाई मेरे पास, शाबाश। लो भाई सारा का सारा गोल्ड ले जाओ, सारा का सारा गोल्ड ले जाओ तुम लोग, ओके। एंड फटाफट मेरे को यहाँ पे पर्ल्स दो। ओ माय गॉड, ऑलरेडी इन्होंने मुझे पर्ल्स दे भी दिया है। भाई लोग 5 मिनट हो चुके भाई, ट्रेडिंग हो चुकी। ओ माय गॉड, कितने सारे फायर रेस के पोर्शन है यहाँ पर, 4 आ चुका है, मेरे को और चाहिए, 5 आ चुका है, आई थिंक 5 काफी होंगे यार। ओके भाई लोग थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया मेरे साथ, बहुत ही अच्छे से ट्रेड करके। हाउ टू प्रिपरेशन टू किल एंडर ड्रैगन। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इसके अंदर चल लेते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं सारी की सारी चीज है या फिर नहीं। तो सबसे पहले काम करता हूँ, यहाँ पर जो अपना टोटेम में फंड आएंगे उसे अपने लेफ्ट हैंड में रख लेता हूँ। बाकी यार एक गड़बड़ मैंने आखिरकार करी दी, मैंने सोचा था कि मैं अपने साथ पानी लेकर आऊंगा क्योंकि एंडरमैन उससे डरते हैं और यहाँ पर काफी सारे एंडरमैन होते हैं, बट अभी मैं वो लाना भूल गया। तो चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से ना यहाँ पर मैं अपना फूड खाता हूँ थोड़ा बहुत, अपनी हेल्थ बढ़ाते हैं और जल्दी से अंदर चलते हैं। वहां पर जाकर सबसे पहले मैं खाने वाला हूँ गोल्डन एंचेंटेड एप्पल, बाकी देखेंगे सोच समझ के करेंगे सब कुछ, जितने भी पोर्शन है उसे भी एकदम तमीज में रखना है, बट सबसे पहले अंदर चलते हैं, पता नहीं यार यहाँ पर क्या होने वाला है। तो फाइनली यहाँ पर ना सबसे पहले हमें एक छोटा सा रूम मिला है और हमें इसके ऊपर की तरफ में डिग करना है जहाँ तक मुझे पता है। गाइस हेबेल तोड़ने के लिए ना आप लोग एक होय क्राफ्ट कर लेना क्योंकि उससे ये बहुत ज्यादा फास्ट टूटने वाली है, क्योंकि स्पीड रनिंग में अगर हम लोग इस पे फालतू टाइम देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैंने काफी सारे हेबेल इकट्ठे कर लिए हैं, अब इससे मैं बहुत सारी वीट बना सकता हूँ और उन वीट से मैं बहुत सारी ब्रेड बना सकता हूँ अपने लिए। अब मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है मेरे को लग रहा है, इससे आप लोग को इतनी सारी ब्रेड मिल जाएगी ना कि आपको और खाना इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अपना 15% काम डन हो चुका है, हमारे पास फूड हो गए हैं, हमारे पास थोड़े बहुत टूल्स हो गए हैं, पर अभी अपने पास कोई ढंग का आर्मर नहीं है। तो सबसे पहले ना कुछ स्टोन के टूल्स बना लो, इतना सब कुछ लेने के बाद आप लोग इस विलेज से निकल लेना सीधा आयरन माइन करने के लिए, क्योंकि बारी है आयरन आर्मर और आयरन टूल बनाने की और नेदर जाने की। तो अब आप लोग आईओ फेंडर के थ्रू स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ के एंड ड्रैगन के पास तो चले जाओगे, बट वहां पे जाके उसे मारोगे कैसे ये सोचा? भाई छोटा बच्चा नहीं है वो, तो उसको मारने के लिए हमें चाहिए होंगी बो एंड एरोस। तो बो तो हम लोग नॉर्मली बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, बट एरोस बनाने के लिए ना हमें बहुत सारे फेदर्स ढूंढने होंगे, तो बेटर यही होगा कि एक फ्लैचिंग टेबल बनाओ और वो फ्लैचिंग टेबल किसी नल्ले विलेजर को पकड़ा दो, जैसे मैंने इसको दे दी। तो अभी मेरे को इसे स्टिक्स देनी है और इसे एमरल्ड लेने हैं और इन एमरल्ड्स के थ्रू मुझे इससे स्टिक्स बाय कर लेनी है। वैसे आपको जितनी जरूरत पड़े आप उतनी बाय कर सकते हो, पर हाँ एंड ड्रैगन सिलेंडर से पहले मिनिमम 2 स्टैक तो लेके ही जाना। फिर उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना, अपनी ब्लेज रोड को ब्लेज पाउडर में कन्वर्ट करना है, देन जितनी भी एंडर पल है उसे आईओ फेंडर में कन्वर्ट कर लेना है और बस किसी एक आईओ फेंडर को ऐसे फेंकना है और वो जिस डायरेक्शन में जाए हमें उस डायरेक्शन में फॉलो करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।